और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आज सबसे बड़ी खबर है चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, हालांकि महाराष्ट्र को लेकर अभी चुनाव की तारीखें अनाउंस नहीं की गई हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं हरियाणा में 1 फेज में चुनाव होगा। बात जम्मू कश्मीर की जाए तो यहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहले दौर के लिए वोटिंग होगी, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को होना है, तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे तो उधर हरियाणा में एक ही फेज में विधानसभा चुनाव होगा। 1 अक्टूबर को प्रदेश की 90 असेंबली सीट पर वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को ही ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा का किंग है कौन। आयोग के मुताबिक हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 73 सामान्य हैं। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें 85 लाख नए वोटर्स इस बार हैं। 20,629 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। हरियाणा में मल्टी स्टोरी इमारतों में भी इस बार पोलिंग बूथ होंगे। सीसीटीवी से पोलिंग बूथ पर नजर रखी जाएगी। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. अगर electors के data के बारे में बात करें, तो J&K में total 87.09 lakh electors होंगे, जिसमें लगभग almost equal 44.46 lakhs male और 42.62 lakhs female voters होंगे। We are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो total constituencies हैं वो 90 हैं, general 73, ST 0 और SC constituencies 17 हैं। अगर electors in हरियाणा की बात करें तो total राज्य में 2.1 crore इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। इधर मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव को लेकर जल्द तारीखों के ऐलान की बात कही जा रही है। प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हो गई है। उधर विजयपुर से विधायक चुने गए रामनिवास रावत विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में यहां भी उपचुनाव होना है। अब इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ। एमपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि दोनों ही सीटों से विधायकों के इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी थी। प्रत्याशी का चयन भी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आ रही। चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के नेता के मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की दोनों ही सीटों पर तैयारियां पूरी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इन सीट्स का दौरा कर चुके हैं और प्रत्याशी का नाम भी लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहती है और चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि जिस प्रकार की जनकल्याणकारी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, वो कार्यकर्ता निरंतर रूप से जनता के से संपर्क करके उनके बीच में जाते हैं। और तारीखों का ऐलान होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस धरातल से गायब है, उनके पास नेता नहीं, नीति नहीं, और लोकसभा चुनाव के बाद तो अब हाल ये है कि प्रत्याशी ढूंढ ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस मुस्तैदी के साथ तैयार है, क्योंकि जब दोनों ही स्थानों पर सीटें रिक्त हुई तभी से हमें मालूम था, पार्टी को मालूम था कि इलेक्शन होना है, तो हम लोगों ने कैंडिडेट स्तर तक भी लगभग सारी तैयारी पूरी कर चुकी है। और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रदेश अध्यक्ष जी खुद कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी कर चुके हैं, उनकी हौसला अफजाई कर चुके हैं और हम लोग ताकत के साथ सरकार से दो दो हाथ करेंगे। और अगली खबर जिससे पूरे देश में आक्रोश और गुस्से की आग है, रेप और हत्या के विरोध में आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स काले कपड़े पहनकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे और कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई वारदात उसे बेहद शर्मनाक बताया। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। इधर जीआरएमसी के तकरीबन 350
जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज से पूरी तरह काम बंद कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को आईएमए ने भी अपना समर्थन दिया है। काली पट्टी बांधकर बैठे डॉक्टर्स ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। वहीं इंदौर में भी सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोपहर 12 से 1 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने मामले की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में रतलाम में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। रतलाम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 600 जूनियर डॉक्टर काम छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल की जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो पहले की तरह इमरजेंसी जो है वो पहले की तरह लगातार सेवाएं चल रही हैं। इस घटना को हम कहीं ना कहीं प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं। जो सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है इससे ये साबित होता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी असली कल्प्रिट है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और हमारा धैर्य का बांध जब टूटा कि जब 14 अगस्त की रात्रि में 200-300 गुंडों की झुंड डॉक्टर्स के ऊपर हमला करती है, सबूत मिटाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ जो कल्प्रिट है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो मॉब अटैक हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे, उस पुलिस को सस्पेंड करो और सीएम का इस्तीफा दो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। इतना एक सेंसिटिव इश्यू था और आपने अलाउ करा कि 3000 मॉब अटैक हो जाए। जो लोग वहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर आपने, वहाँ की फीमेल डॉक्टर्स को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए और जो रेसिडेंट डॉक्टर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें थ्रेटन ना किया जाए। जब तक ये जस्टिस नहीं मिलता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे रहेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई और हत्या हुई उस मामले में अब सीएम का रिएक्शन भी आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये काफी दुखद है और उनकी माने तो टीएमसी को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, राजनीति भी इस मामले पे नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि बंगाल की सरकार ने हमारी एक बहन डॉक्टर के साथ होने वाली घटनाओं को छिपाने के लिए लगातार गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बेहतर होता कि उस घटना के बारे में कठोर एक्शन लेके डॉक्टरों का मन जीतते, ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार का मतलब ही होता है कि सरकार अपने सभी विभागों की भी संरक्षण करे, व्यवस्थाओं के लगे लोगों की चिंता करे, उनकी सुरक्षा की चिंता करे, बजाय उसमें राजनीतिकरण करने के। मुझे लगता है कि टीएमसी इसमें विचार करेगी और अपने उस व्यवहार को लिए माफी मांगेगी। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टरों की नाराजगी थम नहीं रही। रायपुर एम्स में ओपीडी सेवा बंद नजर आई जिसके कारण मरीज परेशान दिखे। कोलकाता में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा इसे लेकर है। डॉक्टर्स सेंटर से प्रोटेक्शन कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर कांकेर में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। एक तो जो वहाँ पे कोलकाता में हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, तो हम उससे काफी डर गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर गए हैं कि मतलब आगे जाके वो डॉक्टर बनने से भी डरेंगे कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब कि कैसे होगा आगे जाके अगर यही हाल रहा तो। हमेशा से कई वर्षों से डॉक्टर और नर्सों के साथ हिंसा होते आ रही है। हम कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं लेकिन हम सेवा भावना से कई बार चुप हो जाते हैं, ओपीडी बंद करते हैं, इमरजेंसी चालू रहती है, आज भी वैसा ही है। लेकिन अभी की जो घटना है वो सभी को स्तब्ध कर देता है। इससे बुरा क्या हो सकता है, एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है उसके साथ उसी अस्पताल में रेप हो जाता है, फिर मर्डर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा ये मुद्दा है कि इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी जाँच हो। और अब खबर किताबों से जुड़ी। एमपी में संघ के लेखकों की किताबों को लेकर सियासत हाई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाल सकता है।
एमपी में कॉलेज की लाइब्रेरी में संघ के लेखकों की किताब रखने को लेकर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइब्रेरी में सभी लेखकों की पुस्तकें खरीदने और रखने के निर्देश दिए गए हैं। बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए, उसका परिपत्र है, कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। दरअसल संघ के लेखकों की किताबों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी की नायक हो सकती है, पूरे देश की नायक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज यह कहा है कि वह स्वैच्छिक है, जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैं फिर पूछना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि संघ ने इस देश के लिए कोई एक काम भी अच्छा किया हो तो वो बता दे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन पुस्तकों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासन में वामपंथियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियां पढ़ाई गईं और हम उसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। संघ के भी कार्यकर्ता स्वयं सेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। फिलहाल एमपी में बुक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर एमपी में घमासान जारी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ खटमल और मच्छर जिन्हें पता नहीं कब अकल आएगी। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया था। कैसे किया कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार, देखिए। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होंगे। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सज्जन का बयान, जारी है घमासान। विजय वर्गीय ने कांग्रेस को दिखाया आईना। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छरों को अकल कौन देगा? पता नहीं खटमलों मच्छरों को कब आएगी अकल। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आपको याद होगा, अगर नहीं तो चलिए आप पहले सुन लीजिए। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सुना आपने क्या कहा था सज्जन सिंह वर्मा ने? देश में रहने वालों की सोच देखिए। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि पता नहीं इन खटमलों और मच्छरों को कब अकल आएगी, ये शेर और शेरनियों का देश है। भारत माता की क्या बात है? अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है, ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल अक्षर को अकल कौन देगा? पता नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए, कैलाश जी के बयान को आप ध्यान से देखेंगे तो वो आधार सज्जन भैया का जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो खटमल
और मच्छर की बात कर रहे हैं तो वो ये स्पष्ट करें वो किसको खटमल और मच्छर जो बंदूक सज्जन भैया के कंधे पर रखकर चला रहे हैं वो किसको खटमल और मच्छर बता रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। एक तो नहीं कई कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत आई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र में खंडवा के बच्चे 25,000 रुपए में बिक रहे हैं। ज्यादा पैसे की चाहत में खंडवा के मुंदी के आदिवासी परिवार महाराष्ट्र और गुजरात का रुख कर रहे हैं, लेकिन तंगहाली के चलते आलम यह है कि इन्हें अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तलब कर इसकी जानकारी ली जाए। खंडवा के बच्चे महाराष्ट्र में बिकने के मामले में जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। जिला कलेक्टर की तरफ से जांच भी करवाई गई है। जांच के बाद कलेक्टर ने कहा कि खंडवा जिले के बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले की प्रशासन को कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है। जो भी तथ्य थे उसके आधार पर जब पता करने की कोशिश की तो अभी फिलहाल इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई जिससे होता है कि यहाँ के कोई भी, जैसे उसमें मुंदी के लिखा है कि मुंदी के आसपास के जो ट्राइबल एरिया के गांवों से बच्चे वहाँ पे जाके गए हैं, तो जो खबर प्रकाशित उनसे भी चर्चा हुई वो भी ठीक से स्थिति नहीं बता पाए। और साथ ही जब हम लोगों ने अपने मुंदी के आसपास के गाँव हैं या खालवा के आसपास के जो ट्राइबल डोमिनेंट जो गाँव हैं वहाँ पर बताया गया तो फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी की पुष्टि तो नहीं हुई है। फिर भी हम लोग अभी एक टीम। और अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि एक लंबे वक्त तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही। वो बताए कि उन्होंने जनजाति वर्ग का कितना विकास किया। कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से आदिवासी भाई बहनों के हक पर डाका डाला जा रहा है। जीतू पटवारी जी, पहले इस बात का उत्तर दें कि देश में 65 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आदिवासी वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आदिवासी वर्ग के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या किया जीतू पटवारी जी उनकी सरकारों ने? तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बरसों बरस आदिवासी वर्ग को छला, धोखा किया, छल कपट किया, उनको आदिवासी बात करने का अधिकार नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये वो सरकार है जो जनजातीय गौरव दिवस की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, और कहीं कोई विषय है जो आदिवासी वर्ग पर अत्याचार का है उसका प्रतिकार करेंगे और जो श्रेष्ठ होगा वो करेंगे। तो आदिवासियों का पूरी तरीके से दोहन करना, शोषण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जीतू पटवारी जी ने जो मुद्दा उठाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कारगर काम नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पे सड़कें जाम कर देगी और आदिवासियों को हक दिलाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।